सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़े अपने यूट्यूब चैनल ए के जॉब्स अड्डा दे विच। मैं थोड़ा दोस्त ए के अज एक बार फिर तो हाजिर हाँ थोड़े विच एक नवा वीडियो एक नवी वैकेंसियां दे नाल लैके। तो दोस्तों बहुत ही वड्डी खुशखबरी दी लैके आया थोड़े वास्ते। पंजाब नैशनल बैंक दे विच जो हैं पी एन वैकेंसियां आ चुकी हैं, जिसके वास्ते जो क्वालिफिकेशन है 10th प्लस टू मंगी गई है। तो दोस्तों इस बारे डिटेल गल करा, जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नवे हैं या साडा पहली बार वीडियो वेख रहे हैं, वो जल्दी जल्दी साडे चैनल को सबसक्राइब और वीडियो लाइक कर दौ तो जो अज का वीडियो आप शुरू कर सकी। तो दोस्तों उम्मीद है तुम्हें वीडियो में लाइक कर दिता होगा, साढ़े चैनल सबसक्राइब करके ऑल द ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, तो आने वाले सारे ही नवे वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हें सब तो पहला मिलते रहें। दोस्तों शुरू करते अज का वीडियो। दोस्तों इस जो डिटेल तुम www.freejobalert.com पर जाके उस पंजाब स्टेट को सिलेक्ट करके वैकेंसियों चैक कर सकते हो। बकायदा ये वैकेंसी की डिटेल उत्थे अपलोड की गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी दे। लो जी दोस्तों, सब तो पहला गल करते हैं वैकेंसियां निकलियां कितने हैं। ठीक है दोस्तों, पंजाब दी वैकेंसियां हैं इहदे च दोस्तों डिटेल जानन योग है। एच डी आर डिपार्टमेंट सर्कल ऑफिस सैकेंड फ्लोर श्री दुर्गा मार्केट पुलिस लाइन बाजार जी टी रोड पुरदवा, तो पिन कोड है दोस्तों 71 31 03। रिक्वायरमेंट ऑफ द पी एन इन द सबॉर्डीनेट केडर। तो दोस्तों सबॉर्डीनेट केडर के जो पी एन पोस्टा निकलिया हैं, जो कि डिपार्टमेंट जो है पंजाब नैशनल बैंक है। ठीक है दोस्तों, पंजाब नैशनल बैंक आ लीडिंग पब्लिक सैक्टर बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल सिटीजन हू आर डोमिसल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड पब्लिश फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द पेन इन सबॉर्डिनेट केडर फॉर द ब्रांच इन पुरदवा सर्कल। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्टा हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टा की गल करते हैं। पहला इसकी पंजाबी में दसदा, जो दोस्त नीचे दी गई क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई पोस्टा के अकॉर्डिंग उत्ते रहते हैं, वो ही परसन जो हैं इस पोस्टा वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे दोस्तों आप दसते हैं किड़े किड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं जितों के कैंडीडेट्स डोमिसल सर्कल के रहने वाले कैंडीडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं कोई भी फेक जानकारी नहीं दिता, इस करके मैं क्लीयर कट सच्चाई दस रहा। दोस्तों सब तो पहला गल करते हैं 15 टोटल पोस्टा हैं दोस्तों। ठीक है, जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 6 पोस्टा हैं, ओ बी सी के लिए 3 पोस्टा हैं, एस सी के लिए 3 पोस्टा हैं, एस टी के लिए 1 पोस्ट है, ई डबल्यू एस के लिए 2 पोस्टा हैं। इस तरह मिला के टोटल जो 15 पोस्टा दी वैकेंसियां निकली हैं, जो कि पी एन वैकेंसियां। ठीक है दोस्तों, हुण गल करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियां। तो सब तो पहला है पूर्वा बर्धमन, पूर्वा बर्धमन नाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों उत्थे दी पोस्टा निकली हैं। दूसरा जो है बीरभूम नाँ का डिस्ट्रिक्ट है जिथे पोस्टा निकली हैं। ठीक है दोस्तों, नैक्सट की कह रहा है, ये सब तो जरूरी गल ये है दोस्तों, ये भी दसी गई है जो कैंडीडेट्स इन डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं उतों का डोमिसिल उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया है, सिर्फ उ अपलाई कर सकते हैं, इस करके कोई भी भुलेखे ना रहे। ठीक है दोस्तों, जवें कह सकते हो तुम उन्होंने सब तो पहल दी जाएगी जो कैंडीडेट्स इतों के रहने वाले हैं। अगर उतों का कोई कैंडीडेट्स एलिजिबल नहीं पाया जाता है तो अदर जो स्टेट का कैंडीडेट्स उत्थे एलिजिबल मनिया जाएगा तो वह उत्थे अप्लाई कर सकता है। अगे देखते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करिए, एज की गल करिए दोस्तों, सब तो पहला 1/1/2022 एज जो है 18 साल तो लैके 24 साल के होनी चाहिए है कैंडीडेट्स की, जो कि जनरल कैटेगरी लिए है। ठीक है दोस्तों, एस सी बी सी जो उन्होंने छोट दी जाती है, जिमें कि बी सी कैट एस सी कैटेगरी एस टी एस सी एस टी कैटेगरी 5 साल की छोट दी जाती है। ठीक है जी, एस सी एस टी फिजिकल हैंडीकैप जो हैं उन्होंने 15 साल की, ओ बी सी कैटेगरी 3 साल की छोट दी जाती है, वो रूल उदा ही लागू रहेंगे दोस्तों। नैक्सट देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गल करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गल करिए तो दोस्तों प्लस टू पास जो चाहिए है जरूरी है, प्लस टू पास जरूरी चाहिए है जिदे विच एक रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो बिलोंग करती हो प्लस टू। उस तो इलावा दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़नी लिखनी इतने साफ साफ मैनशन किया, रीडिंग एंड राइटिंग नॉलेज इन इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश तुम्हें पढ़नी तो लिखनी आनी चाहिए है। लो जी दोस्तों, हुण गल करते हैं डोमिसिल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों जिस डिस्ट्रिक्ट तो पोस्टा निकलिया हैं उस डिस्ट्रिक्ट नाल बिलोंग करता हुआ कैंडीडेट्स ही अप्लाई कर सकता है। ये लाइन उन्होंने दोबारा भी मैनशन कर दी है, इस चीज़ को ध्यान में जरूर रख लेना। अगर इस डिस्ट्रिक्ट का कोई कैंडीडेट्स क्वालीफाई नहीं पाया जाता है तो ही अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडीडेट नू विचारा जाएगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है दोस्तों, उस तो इलावा दोस्तों देखते अगे की है
लो जी दोस्तों, उस तो बाद की कह रहे हैं, तीन नंबर पर जो गल कह रहे हैं, द कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे सेंड देयर ड्यूली साइंड एप्लीकेशन विद द डिटेल, नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, ठीक है दोस्तों। उस तो बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना है, फोटो कॉपी लगानी है, एज प्रूफ की फोटो कॉपी लगानी है, 1/1/2022 तक उसकी एज कितनी बढ़ती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है उसके फोटो कॉपीज तुसी नाल ड्यूली साइन किए हुए तुसी जो नाल नत्थी करने हैं, ठीक है दोस्तों। 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, परसेंटेज मार्क्स, ओबटेन्ड मार्क्स, सारी डिटेल बना के तुसी उसके नाल नत्थी करनी है। उस तो बाद जे तुसी कैटेगरी बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है जी। एड्रेस कम्युनिकेशन का एड्रेस जो तुहाडा परमानेंट एड्रेस था उसका प्रूफ लगाना है, जिवें कि आधार कार्ड वगैरह तुसी लगा सकते हो जिहदे ते पूरा एड्रेस दिता हुंदा है, परमानेंट एड्रेस हुंदा है। प्लेस ऑफ डोमिसाइल मतलब कि तुसी कित्थों दे रहण वाले हो, तुहाडा रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी नाल लगेगा, ठीक है, विलेज दे हो या शहर दे हो, ठीक है जी। उस तो अलावा दोस्तों रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश तुहाडी जानकारी होनी चाहिए है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आई डी लिखनी है, प्रेजेंट इंप्लॉयमेंट अगर तुसी कितने जॉब कर रहे हो तो उसके बारे डिटेल देनी है, ठीक है। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर तुहाडे नाल संबंधित कोई होर इन्फॉर्मेशन जरूरी है जो तुहानू लगता है भी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए तुहाडे बारे, वो जरूरी जानकारी जरूर लिख के भेजनी है। तो दोस्तों इस दे वास्ते कोई भी उन्होंने परफॉर्मा नत्थी नहीं किया है, कोई भी परफॉर्मा नहीं बना के भेजा है, तुसी अपने ही लैवल ते अपनी डिटेल एक जो कैफे है वो तो तुसी अपनी डिटेल बनवा के प्रिंट करनी है, ठीक है दोस्तों, तो वो तुसी बाय पोस्ट भेज देनी है। लो जी दोस्तों देखते हैं की दे रखे ये डॉक्यूमेंट टू बी इनकलोज्ड सैल्फ अटेस्टेड कॉपीज एज अंडर, तो दोस्तों जिला सैनिक एक्सचेंज ये दोस्तों ये लिखा है कि थ्रू जो बनया हुआ होना चाहिए तो सर्टिफिकेट ये बारे बाद चल। लो जी दोस्तों पांच नंबर पर है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो दोस्तों बाय पोस्ट तुसी अपनी एप्लीकेशन भेजनी है तो 28/3/2022 तो पहला तो एप्लीकेशन उत्थे पहुँच जानी चाहिए है, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन आल रिस्पैक्ट विद द ड्यूली सैल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एज का सर्टिफिकेट लगा, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशंस, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये लगा के जरूरी भेजने। 28/3/2022 तो पहला थोड़ी बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इन दो तरीकों द्वारा थोड़ी उत्थे पहुँच जानी चाहिए है, जां तुसी इस तो अलावा बाय हैंड भी पहुँचा सकते हो। तो दोस्तों एड्रेस जो है एड्रेस सब तो जरूरी गल करते हैं, एड्रेस तुसी ध्यान नाल नोट कर लो, DY सर्कल हैड सपोर्ट HDR HRD डिपार्टमेंट पंजाब नैशनल बैंक सर्कल ऑफिस पुरदवा 2nd फ्लोर श्री दुर्गा मार्केट पुलिस लाइन बाजार GT रोड पुरदवा पिन कोड नंबर 71-31-03, ठीक है दोस्तों। सब तो लास्ट है दोस्तों अगर 28/3/2022 तो लेट थोड़ी एप्लीकेशन पहुँचती है जो पोस्ट जो लेट पहुँचती है तो उन्होंने बेचारा नहीं जाएगा, इस करके जल्दी तो जल्दी अपनी पोस्ट फिल करके भेजने की कृपालता करो, कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN इन सबॉर्डिनेट कैडर 2021-22, तो दोस्तों जो लिफाफा तुम पोस्ट करोगे वो उपर ए वाली लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, नाल ही डिस्ट्रिक्ट मैनशन करना है, ठीक है दोस्तों। उस तो इलावा दोस्तों ये एक होर लास्ट से जरूरी गल सी क्लीयरली मैनशनड एज द, तो तुसी अपने लिफाफे के उपर ये चीज़ मैनशन करके जरूर भेजनी है दोस्तों, नाल ही अपने एड्रेस लिखा हुआ एक लिफाफा तुसी विच पाना है, दो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो विच पानी है लिफाफे के अते तुसी इसनों पोस्ट कर देना जो तुहानू मैं उपर एड्रेस दस्या सी। तो दोस्तों वीडियो किदां दा लग्या कमेंट करके जरूर दसना अते वीडियो नू जल्दी जल्दी लाइक कर दो ते चैनल नू सबसक्राइब करके नाल ही बैल दी आइकन नू प्रेस कर लो तां जो आने वाले सारे ही नवे नोटिफिकेशन तुहानू सब तो पहला मिलते रहन। दोस्तों बैल दे आइकन प्रेस करके उहदे चों ऑल दी ऑप्शन सिलेक्ट करना ना भुलना, वो बहुत ही इंपोर्टेंट जो है जानकारी है जिसनों तुसीं क्लिक करना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अज दे वीडियो दोस्तों इन्ना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तद तक के लिए बाय बाय, गुड लक, जय हिंद दोस्तों।